हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी कितने बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और ये सब क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, SSC एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, UPSC या प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स में। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। मैं आपको इसके लिए ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसे आप एक मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ इज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स। सो एक बंदा है गौरव जो 30% मनी को स्पेंड करता है फूड आर्टिकल्स पे, 40% ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद जो भी मनी बचता है उसके पास, उसमें से 40% वो कॉन्वीनियंस अलाउंसेस मतलब ट्रैवल पे खर्च करता है एंड क्लोथ्स पे, और उसके बाद 50% जो मनी वो बचा पाता है। इफ़ हिज मंथली सैलरी इज़ 18400, देन हाउ मच मनी डज ही सेव्स एवरी मंथ। तो वो कितना मनी सेव करता है पर मंथ, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आप 18400 लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, 30% निकालते हैं, उसके बाद जो आता है फिर उसमें से आप 40% निकालते हैं, फिर जो आता है उसके बाद फिर 50% निकालते हैं, तो ये प्रोसीजर जो है आपको काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। आंसर आपको इससे भी आएगा, आंसर आपको इससे भी आएगा, लेकिन आपको 2 मिनट तक लग सकते हैं अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आप इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ 18400 आप परसेंटेज के साथ स्टार्ट कीजिए। वो कैसे करते हैं, अब देखिए, गौरव 30% अपना मंथली इनकम फूड आर्टिकल्स पे करता है, तो 30% अगर स्पेंड कर दिया तो कितना बचेगा। अब देखिए, टोटल मान लीजिए 100%, तो 100% में से 30% जो है वो किस पे खर्च हो रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है गौरव, तो कितना बचेगा, तो 70% बचेगा। अब इस 70% में से क्या है, 40% वो खर्च कर देता है कॉन्वीनियंस अलाउंसेस एंड क्लोथ्स पे, तो 70 में से जब 40% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 60% बचेगा, है कि नहीं। देखिए, पहले क्या था, 100% मनी उसके पास था, उसमें से 30% उसने फूड पे कर दिया, तो 30% जब फूड पे कर देगा तो आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 70%। 70% में से फिर उसने 40% खर्च कर दिया, तो 40% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 70% का 60% बचेगा, तो जब 60% आप निकालिएगा 70% का, तो वो होगा 42, मीन्स 42% जो है गौरव के पास बचता है कॉन्वीनियंस एंड क्लोथ्स पे खर्च करने के बाद, और इसमें से 50% जो है वो बचा लेता है गौरव। सो 42 में से 50% अगर गौरव बचाएगा तो कितना बचा पाएगा वो, 21%। मीन्स गौरव के पास 100% मनी था, सब कुछ खर्च करने के बाद गौरव जो है 21% बचा लेता है। अब देखिए, ये जो 100% जो मनी गौरव के पास था वो कितना के बराबर था, 18400 के बराबर था, और गौरव इसका 21% बचा लेता है, तो 184,000 का मतलब 18400 का हम लोग 21% निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गौरव हर महीने कितना बचा लेता है, तो गौरव हर महीने जब हम लोग कैलकुलेशन किए तो गौरव हर महीने 21% बचा पाता है। तो इसको जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए इसको 21 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप इसको क्या कीजिए, 20+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 चौका 8 और 18 दूना 36, 10 था इसके साथ, फिर 184 को जब 1 से करेंगे तो 184 आ जाएगा, मतलब 4 8 8 16 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा, 3, मतलब गौरव जो है हर महीना 3,864 रुपये का सेविंग कर पाता है, कितना अमाउंट में से, 18,400 सैलरी में से 3,864 रुपया हर महीने का सेविंग कर लेता है। दूसरा क्वेश्चन, 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the sum of the other marks. What are the marks obtained by them? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें कह रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें से कह रहा है कि एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो दूसरे स्टूडेंट से 9 marks ज़्यादा मिलता है। तो अब देखिए, अगर पहला का डिफरेंस लेंगे तो 12 में से 6 गया 6, मीन्स यहाँ पर एक स्टूडेंट को दूसरे मार्क्स से 6 marks ज़्यादा आता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 9 में से 4 गया 5, सॉरी 14 में से 9 गया 5, तो ये कितना हो गया, एक स्टूडेंट्स को दूसरे से 5 marks ज़्यादा आता है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को दूसरे से 9 ज़्यादा आता है।
फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टूडेंट को दूसरे से 7 ज़्यादा आता है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा आता है। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए और आगे पढ़े हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी ही एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे एक स्टूडेंट्स को दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है और क्वेश्चन में वही कहा भी गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। देखिए ये तो जो है वो क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया, और बोल सकते हैं कि ये दिमाग में सॉल्व करने वाला मेथड हो गया। अब ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है। सो टू स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं, एक को दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो मान लीजिए पहला को एक्स मिलता है तो दूसरा जो स्टूडेंट है उसको कितना मिलेगा, एक्स प्लस 9 मिलेगा, है कि नहीं। दूसरे को 9 मार्क्स ज़्यादा मिलता है, ओके। एंड जिसको 9 मार्क्स ज़्यादा मिलता है उसका जो मार्क्स है, जिसको 9 मार्क्स ज़्यादा मिलता है उसका जो मार्क्स है 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। सो एक स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज़्यादा लाता है, और जिस स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स ज़्यादा आता है उसका मार्क्स जो है बराबर है दोनों के मार्क्स के सम के 56% के बराबर। एक स्टूडेंट जो है जिसको 9 मार्क्स ज़्यादा मिलता है वो इक्वल है 56% ऑफ दोनों के मार्क्स के सम का, 56% ऑफ दोनों के मार्क्स का सम का। बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस 9 इज इक्वल्स टू 56/100, और ये क्या हो जाएगा, 2x+9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 से 14 हो जाएगा और 4 से 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x+25, में जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा। 14 × 2 = 28x, 14 कितना होता है, 126 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, देखिए 28 से 25 उधर जाएगा तो 3x, और 5 में से 15 में से 6 गया 9, 11 में से 2 गया 9, और 1 में से 1 गया 0। तो 3x = 99 आ गया। x क्या होगा, 99/3 हो जाएगा जो कि 33 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट्स को 33 मार्क्स मिल रहा है और दूसरे स्टूडेंट्स को 33 + 9 कितना हो गया, 9 कितना हो गया, 42 मार्क्स मिल रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 33 और 42, और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।